हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिलेक्शन डेस्क, ए पाथ ऑफ सक्सेस। हमारी बायोलॉजी की क्लासेस चल रही हैं जिसमें हमने 5 क्लास ले ली हैं। आज 6th क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमने बहुत सारी टर्म्स देख ली हैं। अब आज हम शुरू करते हैं माइक्रोबॉडीज। माइक्रोबॉडीज हिंदी में भी इसको माइक्रोबॉडीज ही कहा जाता है, ऐसे तो बोलेंगे नहीं सूक्ष्म शरीर, तो हिंदी में भी इसको माइक्रोबॉडीज ही कहा जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं माइक्रोबॉडीज हैं वो कहाँ पाए जाते हैं। तो ओनली इन यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल्स हैं उन्हीं में प्रेजेंट होती है, मींस प्रोकैरियोटिक सेल्स है उसमें अपनी जो माइक्रोबॉडीज है वो नहीं पाई जाती है। सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं माइक्रोबॉडीज कहाँ से हमारे पास माइक्रोबॉडीज आती हैं। तो ये कहाँ से अराइजेज होती है, अराइजेज फ्रॉम गोल्गी ब्रेकडाउन ऑफ गोल्गी बॉडीज एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। हिंदी में इसको बोलेंगे कि ये गोल्गी बॉडीज, गोल्जी काय और एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम अपनी जो अंदर पृथ्वी जालिका है और गोल्गी कॉय है उन दोनों के ब्रेकडाउन से माइक्रोबॉडीज का निर्माण होता है। तो हिंदी में भी अगर जो स्टूडेंट्स लिखना चाहते हैं वो लिख लें गोल्गी काय, गोल्गी कॉय व अंतर पृथ्वी जालिका के टूटने से बनता है, टूटने से बनता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो हमारी माइक्रोबॉडीज होती हैं वो थ्री टाइप्स की होती हैं। सबसे फर्स्ट हम देखते हैं स्फेरोसोम। स्फेरोसोम्स हैं। इसकी खोज सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए बर्नर, इन्होंने इसकी क्या की, डिस्कवरी की, खोज की। स्फेरोसोम की खोज है वो किसने की, बर्नर नाम के एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने स्फेरोसोम की खोज की। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि स्फेरोसोम है वो कहाँ पाए जाते हैं। तो स्फेरोसोम है वो ओनली अपनी जो प्लांट सेल्स होती हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं। प्लांट सेल में ये क्या करते हैं, डाइजेशन का काम करते हैं। ये डाइजेशन का काम करते हैं प्लांट सेल में, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, लाइसोसोम सेल, प्लांट सेल। ये क्या है अपना सबसे फर्स्ट जो हमारा माइक्रोबॉडीज है वो थ्री टाइप्स का होता है। सबसे पहले हम देखते हैं स्फेरोसोम। स्फेरोसोम में उसकी खोज है वो किसने की, बर्नर नाम के एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने इसकी खोज की। ये सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, मींस ये एनिमल सेल्स में नहीं पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, प्लांट सेल में डाइजेशन का काम करते हैं, इसीलिए लाइसोसोम है, जो लाइसोसोम है वो भी क्या करता है, एक डाइजेशन का काम करता है। तो इसको क्या कहा जाता है, स्फेरोसोम को प्लांट सेल का लाइसोसोम है वो कहा जाता है। नेक्स्ट हम सेकेंड पॉइंट है वो देखते हैं, ये थ्री टाइप्स के होते हैं। तो उसमें सेकेंड हम देखते हैं सेकेंड अपना आता है ग्लाइऑक्सीजोम। ग्लाइऑक्सीजोम है वो भी कहां पर, उसकी खोज किसने की, सबसे पहले हम देखते हैं बीवर्स नाम के एक साइंटिस्ट आए। बीवर्स हिंदी में कहा जाता है बीवर्स। एक साइंटिस्ट आए बीवर्स, उन्होंने ग्लाइसोसोम है उसकी खोज की थी। ये कहां पाए जाते हैं, जैसे स्फेरोसोम है वो सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं,
नेक्स्ट हम देखते हैं कि पादप कोशिका में ये प्रेजेंट होते हैं, तो इनका काम क्या होता है पादप कोशिका में। जिस तरीके से हमारा स्पेरोसोम है वो एक डाइजेशन का काम करता है, वैसे ही जो हमारा ग्लायोक्सिजोम है वो क्या करता है प्लांट सेल में, वो करता है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स। मींस हिंदी में इसको बोलेंगे वसा का बीटा ऑक्सीकरण करता है। ये क्या करता है, वसा होती है उसका बीटा ऑक्सीकरण करता है। मींस जो हमारी फैट होती है उसको क्या करता है, सिंपलर फॉर्म में तोड़ देता है, वो उसे कहते हैं बीटा ऑक्सीकरण। इस तरीके से हमारा सेकंड है वो ग्लायोक्सिजोम है। उसके खोज किसने की, विवोस नाम के एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इसकी खोज की। ये प्रेजेंट होते हैं सिर्फ प्लांट सेल में। इसका काम क्या होता है, वर्क क्या होता है इनका, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स मींस वसा का बीटा ऑक्सीकरण करने का काम करते हैं। ये सबसे ज्यादा है वो कहां पाए जाते हैं, कई बार एग्जाम्स में ये पूछ लिया जाता है, तो हम देख लेते हैं कि ये सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं। ये पाए जाते हैं एग्जाम्पल है इनके अरंडी के बीजों में और जो हमारी मूंगफली होती है उसमें प्रेजेंट होते हैं। सबसे ज्यादा ये यही पाए जाते हैं, इनका बीटा ऑक्सीकरण अरंडी के बीजों में और मूंगफली में होता है। इसके बाद हमारा थर्ड आता है, वो आता है पेरोक्सिज़ोम। थर्ड पॉइंट आता है पेरोक्सिज़ोम। नेक्स्ट हमारा जो स्टार्ट करते हैं वो होता है वैक्यूल्स। जिनको हिंदी में बोला जाता है रिक्तिकाएं। वैक्यूल्स वैक्यूल्स क्या होते हैं, हमारी सेल होती है उस सेल में एक बहुत बड़ा पार्ट होता है जो कि एक खाली जगह होती है। इस टाइप से ये क्या होती है, खाली जगह होती है। इस टाइप से ये क्या होती है, बहुत बड़ा पार्ट होता है जो खाली जगह होती है।
सेल में कोशिका में एक खाली जगह जगह को रिक्तिका कहा जाता है। सेल में एक खाली जगह होती है जिसे का क्या कहा जाता है, रिक्तिका कहा जाता है। सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था स्प्लीन जानी। कब आए, 1776 में। उन्होंने सबसे पहले जो वैक्यूल्स है वो देखी, इसमें प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ में सबसे पहले वैक्यूल्स को देखा। प्रोटोजोआ क्या होता है, एक एनिमल सेल होते हैं, एनिमल सेल। अब प्रोटोजोआ वो क्या है, माइक्रोस्कोपिक है, मींस प्रोटोजोआ को हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। सबसे पहले स्पेनलिन चानी जो साइंटिस्ट आए 1776 में, उन्होंने प्रोटोजोआ में सबसे पहले जो वैक्यूल्स है जो रिक्तिका है उसको देखा। लेकिन जो शब्द है रिक्तिका वो किसने दिया, शब्द वो डुजार्डिन, एक साइंटिस्ट थे डुजार्डिन जिन्होंने 1841 में रिक्तिका नाम है वो, वैक्यूल्स नाम है वो दिया। उसके बाद प्लांट सेल में सबसे पहले रिक्तिका है उसको किस साइंटिस्ट ने देखा, प्लांट सेल में साइंटिस्ट थे जिन्होंने रिक्तिका को देखा, वो साइंटिस्ट कौन थे, वो साइंटिस्ट का नाम है वो था स्लीडन। साइज इनकी बढ़ जाती है, लेकिन
सेंट्रोसोम है वो प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल, मींस ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है ना सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम है वो होता क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं हमारी ये क्या सेल है। सेल के अंदर क्या होता है, केंद्रक होता है। केंद्रक के इस ऐसे छोटी छोटी दोनों साइड क्या होती है, सूक्ष्म नलिकाएं पाई जाती हैं, माइक्रो ट्यूबुल्स पाई जाती हैं, सूक्ष्म नलिकाएं हिंदी में बोला जाता है जिनको सूक्ष्म नलिकाएं। इस तरीके से ये क्या जो लाइनें से दिखती है ये क्या होती है, माइक्रो ट्यूबुल्स होती है, सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं। ये क्या काम करती है, हमारी जो कोशिका है उसका ढांचा तैयार करने का काम करती है। इनका वर्क क्या होता है, कार्य क्या होता है इनका, सेल कोशिका का ढांचा बनाने का काम। कोशिका का ढांचा है वो बनाती है। ये सेंट्रोसोम है वो कहां प्रेजेंट होते हैं, एनिमल और प्लांट सेल दोनों में प्रेजेंट होते हैं। ये हमारा जो केंद्रक होता है उसके दोनों साइड इस टाइप से इसकी स्ट्रक्चर पाई जाती है, एक सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं। ये सूक्ष्म नलिकाएं ये क्या करती हैं, हमारी जो कोशिका है उसका ढांचा तैयार करने का काम करती हैं। एक इसमें क्या होता है, एक टर्म ली जाती है सेंट्रोइल्स, इसमें टर्म ली जाती है सेंट्रोइल्स। सेंट्रोइल्स क्या होते हैं, ये हमारी कोशिका है, कोशिका में ये क्या हमारा केंद्रक है, ये क्या है न्यूक्लियस है, जिसे हिंदी में बोला जाता है केंद्रक। जब हमारा सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन क्या होता है, एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण, दो से चार कोशिकाओं का निर्माण। तो जब हमारा कोशिका विभाजन होता है, सेल डिवीजन होता है, तो जो हमारा केंद्रक है वो भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। एक कोशिका से जब हमारी दो कोशिकाएं बनेंगी तो जो ये एक केंद्रक है वो दो केंद्रक बनेंगे, इस तरीके से डिवाइड होगा। तो जब हमारा सेल डिवीजन कोशिका विभाजन होता है तो क्या होता है, इस टाइप से ये जो हमारा केंद्रक है ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, मींस ये जो हमारा साइटोप्लाज्म है यहां से दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। जो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया तो इन दोनों पार्ट्सों को अलग अलग करने के लिए एक को इन दोनों को बाहर की साइड खींचने का काम है वो क्या करता है, हमारा सेंट्रोइल्स करता है। जब हमारी कोशिका का विभाजन होता है तो हमारा कोशिका विभाजन के टाइम केंद्रक है उसका भी विभाजन होगा, वो भी दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। जब वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है तो वो दो बॉडी बनती है, अलग अलग केंद्रक बनते हैं, उन केंद्रों को अलग अलग खींचने का काम है वो कौन करता है, सेंट्रोइल्स करता है। इस तरीके से जो हमारा सेंट्रोसोम है वो यही खत्म हो जाता है। सेंट्रोसोम क्या होता है, दोनों सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, जंतु कोशिका और जो हमारी पादप कोशिका होता है दोनों में प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, सेल होती है उसकी ढांचा बनाने का काम करता है। ये सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं जो क्या करती है, हमारी सेल है कोशिका है उसका ढांचा तैयार करने में मदद करती है। ये इसमें एक टर्म यूज की जाती है सेंट्रोइल्स। सेंट्रोइल्स के बारे में एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो इस टर्म को याद रखना, सेंट्रोइल्स क्या होती है। सेंट्रोइल्स क्या होते हैं कि जब हमारी सेल डिवीजन होती है तो जब केंद्रक का डिवीजन होगा तो केंद्रक दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, दो पार्ट्स में होने की वजह से इसको अलग अलग खींचने का काम, बाहर की साइड खींचने का काम कौन करता है, सेंट्रोइल्स करते हैं। अब हमारी जितनी भी टर्म्स थी, नॉर्मल सेल, माइक्रोबॉडीज, प्लास्टिड माइक्रोबॉडीज हो गया, वैक्यूल्स हो गए, एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम हो गया, अंतःप्रद्वी जालिका हो गया, ये सारे टर्म्स हैं ये कंप्लीट हो गई है। कल हम देखेंगे कि जो ये सारे टर्म्स हैं, एनिमल सेल में कौन सी टर्म्स पाई जाती हैं, प्लांट सेल में कौन सी टर्म्स पाई जाती हैं, ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, ये सारा इन दोनों के बीच में जो इनका डिफरेंस है वो देखेंगे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, आज के लिए इतना काफ़ी है। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।